तो नमस्कार दोस्तों, जो हम लोग अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, आज से पर्टिकुलरली अब जो है इसमें जो थंबनेल लगाएंगे उस पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है प्रॉपर पड़ा रहेगा। आज 21वां दिन है हमारा, जो पांच पांच हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते आ रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से। एक्चुअली वास्तव में शुरुआत में हम लोगों ने जो हिंदी इंग्लिश दोनों में श्रृंखला स्टार्ट की थी, बाद में हमको लगा कि दोनों को मैच करा पाना बड़ा मुश्किल काम हो रहा था, तो फिर अब क्वेश्चंस क्या है इसी बहाने पांच क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हो जाएंगे और पांच क्वेश्चन जो है तत्काल जो मुद्दे चल रहे हैं तो उनसे करंट अफेयर से प्रीलिम्स के लिए आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो दोनों आयाम एक साथ कवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या आप हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का इतना तो आप लोग मेंटेन करिए थोड़ा सा, है ना, ये इतनी बड़ी कोई समस्या की बात नहीं है। कोई अगर इंग्लिश मीडियम का है तो वो उतना हिंदी का क्वेश्चन तो कम से कम देख ही सकता है, और जो इंग्लिश हिंदी मीडियम का है उसे तो इतना एटलीस्ट इंग्लिश देखना ही चाहिए कि जो है भाई इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर भी तो है। ऐसे ही आपके लिए इंग्लिश वालों के लिए भी हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर तो है ही ना। तो चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, ये 2022 का ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, गांधी कोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो आंसर सीधा दिख ही रहा, पेन्नार नदी है, पेन्नार नदी में जो है ये गांधी कोटा कैनियन बनती है। ओके, कैनियन जो है एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है जो नदी बनाती है, देखिएगा इसको आप। दूसरा, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स आप देख रहे हो पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, ऐसा है, नामचा बरवा, गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी, कुमाऊ हिमालय और नोकरेक, सिक्किम हिमालय। अब आप खुद देखो नोकरेक जो है कहाँ है, नोकरेक तो मेघालय में है, नामचा बरवा आप देखेंगे तो आसाम में, जहाँ से ब्रह्मपुत्र मुड़ के जो है एंटर करती है भारत में, तो गढ़वाल हिमालय आपको मिलेगा उत्तराखंड में, तो इन दोनों का तो कोई मेल ही नहीं, यानी पहला जोड़ा तो बिल्कुल ही गलत है। नोकरेक जो है, नोकरेक के एक सेकंड मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हो गया मुझे लग रहा है, पर नोकरेक जहाँ तक मुझे ध्यान है ये मेघालय का ही है। चलो आंसर अभी नीचे दिख जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर। जोड़े आपको बताने थे कि कौन कौन से जोड़े जो हैं सही है, मेरे हिसाब से तो केवल दूसरा ही सही लग रहा है हमको, बी, टू ओनली, सही है इसका आंसर, टू ओनली है, वही है नोकरेक, इसका मतलब मेघालय में ही है। थोड़ा सा क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ब्रेन है चीट करता है। ठीक है चलिए, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, द टर्म लेबेंट ऑफन हर्ड इन द न्यूज रफली करेस्पॉन्डेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ये देखिए, ये इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं ना एकदम किलर क्वेश्चन होता है किलर मतलब ये कि ये क्वेश्चन जो है अगर आपने सब कुछ कवर किया है पिछले 1.5-2 साल में, कुछ छूटा नहीं है आपसे, तो आप जो है अगर गेस वर्क भी करेंगे इस पे तो सही आंसर मार देंगे, और नहीं तो अदरवाइज सुना हुआ भी होता है कभी कभी एडिटोरियल वगैरह से ही इस तरीके के टर्म निकाले जाते हैं, तो कुल मिला के आपको हेल्पफुल रहेगा एडिटोरियल सुनने की। आप लोग बिल्कुल पर्टिकुलर मीन्स डेली की हैबिट डालिए, क्योंकि एडिटोरियल लास्ट में कम से कम 15-20 क्वेश्चन आपको तोड़ के देगा वहाँ पे, ये बात आप समझ लीजिए, और आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए ये बात कि अगर 30-35 क्वेश्चन देखिए सब्जेक्ट जो होते हैं स्टैटिक, उनसे आना ही आना है, तो वो सब्जेक्ट का आप जो है कितना एनालिटिकल वे में आप स्टडी कर सकते हैं और कर लिए आपने, इस पर डिपेंड करता है कि वो 35 क्वेश्चन आप तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। बाकी 35 में क्या 1-2-3 इतना कन्फ्यूज कर देते हैं, उसमें गलती हो ही जाती है इंसान से, पर एडिटोरियल से जो 15-20 क्वेश्चन आप उठाएंगे वो आप सोच के देखिए कि अगर आपने 35 में 30 स्टैटिक मार लिए और 20 क्वेश्चन एडिटोरियल और करंट का उठा ले गए आप, तो 55 क्वेश्चन आपको मिलेगा, और इस समय कट ऑफ आप देख ही रहे होंगे कि पिछले 3-4 साल से कट ऑफ जो है कितना कम गिरता ही जा रहा है, 80-85 मतलब 98-90 से 100 के बीच में ही रह रहा है ना, तो बहुत ईजिली आप जो है क्रैक कर सकते हैं, बस कंटिन्यूटी बनाए रखनी है आपको, ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो अब देख लीजिए, टर्म लेवेंट ऑफ एन हर्ड इन द न्यूज़ रफरी करेस्पॉन्डेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, बताइए। तो पहला है, अब नीचे आंसर दिख ही रहा है, रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स, तो जो भूमध्य सागर है उसके पूर्वी सीमा के जो तटीय क्षेत्र हैं, पूर्वी तटीय क्षेत्र का मतलब आप समझ रहे होंगे टर्की की तरफ, इधर जो मैप आप देखेंगे एटलस उठा के देखिएगा तो भूमध्य सागर जो है गोल गोल है, नीचे अफ्रीका है, किनारे पे वेस्ट एशिया है, ऊपर यूरोप है, तो यूरोप में आप देखेंगे तो किनारे से स्पेन मिलेगा आपको, फिर स्पेन से आप चलते चलाएंगे तो टर्की तक, फिर उसके बाद जो मध्य एशिया के देश हैं जैसे इसराइल हो गया, लेबनान हो गया, ये मिलेंगे आपको, और उसके बाद में अच्छा कमेंट बॉक्स में आप लोग जी बताइए, जॉर्डन जो है भूमध्य सागर के तट को छूता है कि नहीं छूता है, नीचे आपने देखा ही होगा स्वेज नहर है, मिस्र है, फिर यहाँ इधर के देश हो गए लीबिया है, मोरक्को है, अल्जीरिया है, मोरक्को छूता है कि नहीं छूता है ये बताइएगा, ठीक है, मैप देखिएगा एक बार उठा के इसको,
तो आंसर इसका देख लीजिए, ये लेवेंट जो है ये रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सोर्स है, ठीक है। अब बाकी नीचे आप देख लीजिए, अच्छा दे भी रखा, रीजन अलोंग नॉर्थ अफ्रीकन सोर्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को, वो दे भी कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, क्योंकि लेवेंट जो है केवल उन्हीं वाले तट को बोलते होंगे, ठीक है। अब आप देखिए चौथा, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट अब देखिए, ये इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं तो देख के उलझन हो जाती है, लेकिन ये कॉमन सेंस से भी कभी कभी निकल जाता है। अब चलिए देखते हैं अपना कॉमन सेंस काम करता है कि नहीं। चौथा, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। ये स्टेटमेंट देखिए पढ़ने से नॉर्मली सही लग रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है। मोनाजाइट आपने सुना भी होगा, केरल के किनारे की जो रेत होती है उसमें पाया जाता है, और जनरली जब ऐसे निकलता नहीं तो रेयरी अर्थ हुआ। मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, ये भी सही है, ये भी आपने सुना होगा। तीसरा, मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सेंड्स इन इंडिया। देखिए केरल की रेत की बात की थी, अब एंटायर कोस्टल सेंड्स की बात कर रहा है, तो इतना बड़ा इलाका है, कौन जाने किसने छान छान के देखा है। तो ये सही है एक तरह के, इसको गलत तो कह नहीं सकते, जब सारी रेत छानी नहीं तो गलत कैसे कहेंगे। फिर डी, इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। ऑब्वियसली आप देखिए कि ये जो है, समझ ही रहे होंगे, जब रेयर अर्थ मटेरियल है तो सबको खोदने को तो भाई दिया ना जाएगा। हमें तो इसमें चारों ही स्टेटमेंट सही लग रहे हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। देखिए ये तीसरा स्टेटमेंट जो है ना, मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सेंड्स इन इंडिया, तो एंटायर इंडियन कोस्टल सेंड्स में तो फिर ये तो मुश्किल ही है, ये नहीं सही होगा, है ना। जब छान के देखा नहीं तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ ना, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी पहला दूसरा चौथा आंसर होना चाहिए बी। ओके, एक दो चार आंसर देखिए बी है, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब ये वाले क्वेश्चन जो है थोड़े कन्फ्यूजिंग रहते हैं, लेकिन ये पढ़ने के ऊपर है, आपने अगर लगातार काफ़ी ज़्यादा ठीक से पढ़ रखा है तो फिर जो है आपको अंदाज़ा लग जाएगा उस समय। उसके बाद आप देखिए लास्ट पांचवा क्वेश्चन आज का, जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ है, इन द नॉर्दर्न हेमीस्फेयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन द। देखिए नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में कब होगा लॉन्गेस्ट डे, जब सूर्य जो है कहाँ आ जाएगा, कर्क रेखा के ऊपर होगा। कर्क रेखा पर किस दिन होता है, 21 जून को होगा, तो 21 जून जो है तारीख होगी। 21 जून कब पड़ेगा देख लीजिए, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, नहीं सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, बिल्कुल सही है बी, आंसर बी हो गया। अब फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई, तो 21 जून के बाद तो जाने लगेगा वापस। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई, तो कोई मतलब ही नहीं इसका। चलिए ठीक है, तो कंटिन्यूटी आप लोग बनाए रखिए। अगर आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप जो है लगातार देखते रहिए, हम लोग लास्ट तक जो है सारे कवर कर लेंगे। इस समय हम लोग जो है ज्योग्राफी के सेक्शन से पांच पांच क्वेश्चन उठा के जो है लगातार कवर कर रहे हैं। देखिए हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट कम से कम जो है 2011 तक तो जाकर के लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पिछले 12 से 13 साल के हम लोग जो है कवर करेंगे। ओके चलिए ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। दूसरा आपको बता दें कि अब प्रीलिम्स के लिए भी हम लोग जो है अपनी एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसको भी रेगुलर करेंगे। आपको प्रीलिम्स में जो है उसके उससे आप मतलब प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट मिलेगा उसके लिए, है ना। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद है तो आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं, और खुद चैनल जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।